भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक दिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को अनेक्सी भवन में किया गया। इस दौरान नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने एक दिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम कार्यक्रम में पहुंचकर निर्वाचन नामावली के लिस्ट में अपने नाम को देखा तथा BLO को जिन लोगों को नाम निर्वाचन नामावली से छूट गया है उनके नामों को जोड़ने के लिए निर्देश दिया, जिसके संबंध में ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन नामावली में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुरुवार का कार्यक्रम एक दिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम था, जिसमें BLO ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों के घर जाकर के मतदाता सूची को दिखाया और बताया कि जिन महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है उनके नाम को जोड़ने का भी काम किया गया है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को एक कार्यक्रम निर्वाचन कर्मियों के नाम होगा तथा रविवार को BLO अपने बूथ पर बैठ करके नाम को जोड़ने का काम करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल व ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, बताइए रागनी अग्रवाल को हम ही नहीं पहचान पा रहे हैं। देखिए निर्वाचन आयोग की हमेशा ये रुचि है और लगातार निर्वाचन आयोग इस बात का प्रयास करता है कि एक भी नागरिक ऐसा न हो जिसकी उम्र 18 साल से हो और मतदान करने से वंचित हो जाए, और निर्वाचन आयोग यह अवसर बार बार देता है। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में छूट गए हों उन्हें चढ़ाया जाए, जिन लोगों के नाम गलत अंकित हों, स्पेलिंग गलत हो, आधार कार्ड और उनके नाम में मैच न हो, जिनके उम्र जिनका पता गलत चढ़ा हो, जिनकी फ़ोटो ठीक न हो या फ़ोटो न लगी हो, ये सारे सुधारिया जिनका स्थान परिवर्तन हो गया है, पहले किसी और मोहल्ले में रहते थे अब किसी और मोहल्ले में रहते हैं, तो निर्वाचन आयोग का तो हमेशा प्रयास है और नागरिकों को भी जागरूक होना चाहिए। मतदान हमारा मौलिक अधिकार है और हमें अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का और उनको बदलने का लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा अधिकार है। हम कहते हैं जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, और ये तभी सिद्ध होता है जब नागरिकों को ये एहसास हो कि हम न सिर्फ चुनते हैं बल्कि बदल भी पाते हैं। तो सातत्य बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया की आज एक शुरुआत हमारे विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं इस अभियान के राजू सिंह जी, एक प्रक्रिया शुरू हुई है। मैंने स्वयं अपने बूथ की और अपनी मतदाता सूची देखी है और मुझे खुशी है कि ज़मीनी धरातल पर यह काम करने का प्रयास किया जा रहा है। सूची तो पुरानी चलती चली आती है, कोई भी सूची चुनाव आयोग कंडम तो करता नहीं, नए तरीके से सूची तो बनाता नहीं है। मैं लगातार इस बात की मांग करता रहता हूं कि सूची में बार बार बदलाव करने से सूची पहले से और अधिक ख़राब हो जाती है। भारत निर्वाचन आयोग का जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसमें एक प्राविधान है कि एक निश्चित एरिया के मतदाता ही एक निश्चित बूथ में होने चाहिए और उस बूथ के सारे मतदाताओं के नाम क्रमबद्ध तरीके से होने चाहिए। मकान नंबर 171 के बाद 173 होना चाहिए और एक मकान के सारे नाम एक साथ होने चाहिए, लेकिन यह समस्या है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा।
मैं बार बार निर्वाचन आयोग को ये प्रतिवेदन देता भी हूँ कि शहरी क्षेत्र की मतदाता सूची घमंजा हो गई है और बहुत से BLOs खुद ऐसे होते हैं जिनसे अगर आप बात करने की कोशिश करें तो वो, अब चुनाव आयोग इसका दावा करता है कि हम पर्चियां घर बंटवाते हैं। मैंने ये भी सुना है कि चुनाव आयोग इस चुनाव में लोगों के ऑनलाइन पर्चियां बंटवाने का काम करने जा रहा है, लेकिन अभी तो मैं इसमें किसी में मोबाइल नंबर देख भी नहीं रहा हूँ, तो मुझे विश्वास है कि ये लोग निर्वाचन आयोग के भाव को समझेंगे और इन चीज़ों को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। निर्वाचक नामावली में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं और आज जो कार्यक्रम था उसमें एक दिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम था। आज के दिन हमारे BLO, हमारे ERO महत्वपूर्ण व्यक्तियों VIP लोगों के घर गए, उनको दिखाया कि ये उनका नाम मतदाता सूची में है और उनसे कहा कि आप पूरी मतदाता सूची देख लें, जो महिलाएं इस मतदाता सूची में सम्मिलित होने से बच गई हैं उनको भी इसमें जोड़ें। कल हमारा कार्यक्रम होगा निर्वाचन कर्मियों के नाम, संडे को हमारा एक बड़ा कार्यक्रम होगा, आगामी 25 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम होगा, उस दिन हमारे बूथ लेवल अधिकारी प्रत्येक बूथ पर बैठेंगे। मैं आह्वान करूंगा कि सभी लोग बूथ पर जाएं, अपना नाम देखें और अपने परिवार की महिलाओं का नाम देखें, अगर नहीं है तो उनका वहीं पर फॉर्म 6 भर करके दे दें।